अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों की मोबाइल की जो मेमोरी बार बार फुल हो जाती है वो होना बंद हो जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है ये, मैंने खुद ट्राई करके देखा है। इसका क्या क्या फ़ायदा है, किस तरह आप इसे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा ये कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, अब बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं सेटिंग की तरफ। इसमें आपको कोई एप्लीकेशन इस वक्त पहले इंस्टॉल नहीं करनी है। जो तरीका मैं बता रही हूँ पहले आप वो करें, उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी है और उसका क्या फ़ायदा होता है ये भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग में आ गई हूँ। हर मोबाइल की ये वाली सेटिंग होती है, ठीक है। उसमें आपके पास ये ऐप्स का ज़रूर होता है, हर एक के पास ये ऑप्शन होता है। तो ऑल ऐप्स में चले जाएंगे, आपके पास जितने भी ऐप्स मौजूद हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर आप उसमें चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास इंस्टॉल्ड ऐप भी आ जाते हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपने जाना है सबसे पहले अपने गूगल क्रोम वाले ऐप में, ठीक है। जो आपके पास गूगल क्रोम आपने इंस्टॉल किया हुआ होता है ना फ्रेंड्स, आपने उसके अंदर जाना है और क्या काम करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास गूगल क्रोम का ऑप्शन आ गया। आप देख सकते हैं इसने कितनी जगह घेरी हुई है, 263 MB, ठीक है। और यूज़र डेटा कितना, 64 MB, ठीक है। कैच साइज़ कितना है, 85 MB, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपने क्लियर कैच कर देना है, ठीक है। क्लियर कैच करने के बाद आपके कितने MB रिलीज़ होगा, 65 MB रिलीज़ होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास देखिए मैनेज स्पेस का ऑप्शन है, आपने यहाँ जाना है और जो इसका तमाम डेटा होता है ना, ये देखें फ्री स्पेस 25 MB। ये इन्होंने बताया कि जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें वो 25 MB की हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुकीज़ होते हैं वो भी 25 MB के, तो आपने यहाँ से उठा के क्लियर ऑल डेटा कर लेना है, ठीक है। इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली हो जाती है, पहली चीज़ ये हो गई। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र मौजूद है तो आपने उसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ये गेम डरा हुआ है कैट्स गार्डन, तो मैं इसके भी इसी तरह हाँ आपको कुकीज़ जो हमारे पास 108 MB के हैं ये मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, ठीक है। इससे मेरे पास जो है जगह बन जाती है फ़ोन में, ठीक है। अब ये तो हो गई ये छोटी छोटी सी चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपने कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और अपने पास जगह बना सकते हैं। इसी तरह आप तमाम एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं अगर आपकी, लेकिन इसमें आईडी होती है तो वो डिलीट हो जाती है, बस सिर्फ इतना सा नुकसान होता है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स, लेकिन आप क्लियर डेटा क्लियर कैश तो लाजमी करें सबका, क्योंकि ये कैश जो होता है वो ऐसा डेटा होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी बिग फाइल्स होती हैं और ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं होती और हमें उसका पता भी नहीं होता, अब हमें वो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी ऐसी बिग फाइल्स हैं जो हमारे डाउनलोड होती चले गई हैं, तो उनको देखने के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रही हूँ जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। कहाँ से इंस्टॉल करनी है, कहीं से भी नहीं, आपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है जो मैं सर्च कर रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है बिग फाइल लोकेटर, इसको आपने पास इंस्टॉल कर लेना है। पहली एप्लीकेशन ये है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ। तो अब लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ 20, तो आपने इसे 20 को 50 पे पहुँचा देना है एटलीस्ट, ठीक है। मैं 50 पे पहुँचा रही हूँ इसको, ये देखें हमारे पास 50 पे पहुँच गया, और इसे स्टार्ट कर देना है। अब जितना भी मेरे पास फाइल्स ऐसी मौजूद होंगी जो 50 MB तक की, यानी इसे ऊपर की होंगी, जगह घेरी भी होंगी और हमारे किसी काम की भी नहीं होंगी, वो सब आ गई हैं। अब देखिए ये मेरे को ये नहीं पता इसके अंदर क्या मौजूद है, ये सेटिंग है मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास हो चुका ऑलरेडी इंस्टॉल, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। थंबनेल कैच है, इसको भी मैं उठा के यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा जगह इस तरह जो है वो खाली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिलीट कीजिएगा जिनका आपको पता है, उनको मत कीजिएगा जिनका नहीं पता है, ठीक है। और जो आपके काम की नहीं है उनको डिलीट कीजिएगा, बाकी चीज़ों का आप रहने दीजिएगा। लेकिन इससे जो है क्या फ़ायदा होगा, आपके पास काफ़ी जगह बन जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।